हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ पहाड़ी इन लंदन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं ना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम पे। अभी हम लोग जॉब से वापस आए हैं और बहुत गर्मी हो रही है आज बाहर। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर, ये देखिए। वैसे सन तो नहीं है, अभी शाम के बज रहे हैं 6, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है आज यूके में। 26-27 डिग्री चल रहा है। तो हम लोग जो है कोकोनट वाटर पी रहे हैं और यू नो, अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर आज डिनर करने, क्योंकि आज है नेशनल लेजी डे। ये तो वी आर बीइंग फुल लेजी और हम लोग इसका जो है लेजी डे का पूरा फन उठाने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और इन्जॉय करते हैं लेजी डे को। मुझे फ्रेश कोकोनट वाटर तो नहीं मिला, लेकिन ये जो कोकोनट वाटर है ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैं सुपरमार्केट से लेके आई और इसको मैं इन्जॉय करूँगी अभी। तो दोस्तों, आज मैं इतनी लेजी हूँ कि मैं ना रेस्टोरेंट में खाना खाने चप्पल पहन के जा रही हूँ, क्योंकि लेजी डे है। तो चलिए लेजी डे की सेलिब्रेट करते हैं। हाइट्स ऑफ लेजीनेस। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं आज साउथ इंडियन डिनर करने के लिए। तो एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे डोसा पार्क करके, वो उसके बारे में हमने बहुत सुना है। तो देखते हैं वो खुला है कि नहीं है, कहीं मुझे लग रहा है पोपट ना हो जाए, पता चला बंद है और हम इतना खुश होके जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ इन केस एक पर्सन के लिए, तो उनके हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक और ब्रांच है ना उनकी, लेकिन वो तो टाउन में है, उसके लिए तो 30 मिनट वॉक करनी पड़ेगी। क्या रेडी? ओ माय गॉड, लड़की को इतना साउथ इंडियन पसंद है कि ये जो है कहीं तक भी वॉक कर सकते हैं, वो भी जॉब करने के बाद। हैट्स ऑफ मैन। दोस्तों, यहाँ पर है सुपरमार्केट का एरिया और ये है डोसा पार्क, हम अंकित जी जा रहे हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे लंच, नॉट फॉर डिनर, राइट? लेट्स गो। यहाँ हम बैठ चुके हैं और मैं आपको एमबियंस दिखाती हूँ, यहाँ का काफ़ी अच्छा है। तो आ चुकी है मैंगो लस्सी और अंकित जी ट्राई कर रहे हैं, कैसी लगी बताना? फ्रेश है? इतना सोच क्यों रहे हो? एम्बियंस काफ़ी अच्छा है ना, लेट मी ट्राई एज़ वेल। गाइस, हमने मंगवाया है मैसूर डोसा, मैंने मंगवाया मैसूर डोसा और अंकित ने मंगाया है मसाला डोसा। और ये गाइस इतना बड़ा डोसा ना, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैं इसको बोल रही हूँ फुट लॉन्ग, जैसे सब होता है ना सबवे का, सेम वैसे ही लग रहा है। तो अंकित जी, टेस्ट करके बताओ मुझे कि हाउ डू यू लाइक सांबर, हाउ डू यू लाइक। एक हमारे पास इसमें सांबर है, दिस इज़ कोकोनट चटनी, मिंट चटनी एंड दिस इज़ टमेटो चटनी। और इतना मतलब इतनी बढ़िया तरीके से इन्होंने प्लेटिंग करी हुई है ना, मज़ा आ रहा है देख करके। क्या खाया आपने अभी? सांबर। अच्छा लगा? और अलग अलग चटनी भी टेस्ट करके बताओ कैसा लगा। नहीं खा रहे मसाला डोसा, और डोसा कैसा है? इट्स लाइक कुक प्रॉपरली, अच्छा कोकोनट भी। फिर सारे टेस्ट करो, फिर बताना सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा। दिस ये गया भैया टमाटो की चटनी में। मुझे पता आपको कोकोनट ज़्यादा पसंद है, इसलिए कर रहे हो। मिंट तो मिंट है, लाइक मिंट इज़ लाइक वेरी कॉमन, इट्स लाइक इन कर्ड मिंटी। कौन सा सॉस सबसे बेस्ट लगा ये बताना आप मुझे। You always like staple coconut with coconut sambar, yeah? Good, good, good. Amazing. तो दोस्तों, अब मैं करने जा रही हूँ ट्राई ये बड़ा सा लंबा सा पिज़्ज़ा कह रही हूँ, ये बड़ा सा लंबा सा डोसा, मैसूर डोसा मैंने मंगवाया है। तो लेट मी टेस्ट इट और मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसा लगा। मैं इस साइड से लेती हूँ थोड़ा सा, एंड तो पहले मैं ले रही हूँ सांबर। कोकोनट चटनी बहुत ज़्यादा फ्रेश है, टमेटो अच्छी है, इट्स लाइक टैंगी। और ये है मिंट चटनी विच इज़ लाइक रियली नाइस। तो मैं इसकी रेटिंग ना आपको यहाँ दे दूँगी पूरा ख़त्म करने के बाद। तो मैसूर डोसा पार्क
इंग्लैंड में भी डोसे का टेस्ट इतना अल्टीमेट है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली. तो आई एम जस्ट लविंग इट. मैं तो यहाँ पर अब हर महीने के हर हफ्ते आ रही हूँ मैं. चिली फिश खाते हैं, मज़े करते हैं. मैसूर डोसा में अच्छी बात यह कि अंदर से ना थोड़ा इससे स्पाइसेस होते हैं इसमें. तो मसाला डोसा इज लाइक प्लेन. गर्मा गर्म गुलाब जामुन और उन्होंने इतने अच्छे से ना सर्व किया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के. अंकित जी शुरू हो जाइए, कुछ मीठा हो जाए. होममेड ये गुलाब जामुन है बिल्कुल, मतलब जैसे मार्केट के नहीं होते हैं ब्राउनिश कलर के, वैसे नहीं लग रहे हैं बिल्कुल. जैसे घर में हम लोग बनाते हैं होली दिवाली में वैसे वैसा बिल्कुल लग रहा है देखने में. खाने में कैसा है? अच्छा है, स्वीट है. अच्छा है. 100/10? ओके कूल. तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अब घर, और घर में आकर के ना मैंने सोचा कल की थोड़ी खाने की प्रेप कर ली जाए. तो मैं आज बना रही हूँ एग पालक करी. आप लोगों ने बनाया होगा, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाती हूँ. गार्लिक डाल के और यू नो जीरा डाल के और लाल मिर्च वगैरह डाल दी है. और यहाँ पर मैंने जो है अपना पालक जो है वो फ्रिज से निकाला और फटाफट उसे ब्लेंड कर दिया. इसके बाद मैं करूँगी अंडा बॉयल. तो यहाँ मैंने डाल दिया खूब सारा प्याज, और अब मैं ना लहसुन और प्याज को दोनों को अच्छे से ना भून लूँगी और मसाले डाल के फिर दोबारा भूनूँगी. तो इसमें जो एग करी बनती है उसमें ये चीज़ है कि भूनना बहुत अच्छे से है मसालों को, क्योंकि अगर हम भूनेंगे नहीं ना तो फिर जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा कच्चा कच्चा सा आएगा, तो मज़ा नहीं आएगा. और साथ में ना यहाँ पे कर रही हूँ रायते की प्रिपरेशन. तो मैंने ना थोड़ा सा अनियन और बूंदी डाल दिया है, और ये मैंने ना मसाला खुद से जो है पीस लिया अभी अभी गरम मसाला, तो वो मैं ऐड करूँगी. मेरा ये स्पेशल सीक्रेट मसाला है जो मैं ऐड करने वाली हूँ आज करी में. तो ये मेरा ऑलमोस्ट भुन चुका है. तो मैंने क्या किया, चेरी टमेटोज़ में लेके आई थी और वो मैंने ऐसे ही डाल दिया. ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ऐसा कि फ्रेश मैंने बिना कट लगाए जो है टमाटर डाल लिए. तो देखते हैं कैसा बनता है. अच्छे से अगर ये ना इसको मैं ढक दूँगी ना तो ये पक जाएगा, फिर देखते हैं कैसा होता है. जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा, और उसको भी अच्छे से भून लूँगी. तो मसाला ऑलमोस्ट भुन चुका है, तेल आ रहा है. अब मैं ये अपना सीक्रेट मसाला इसमें डाल देती हूँ. सीक्रेट मैं आपको बता ही देती हूँ गाइस. इसमें ना मैंने होल स्पाइसेस जो होते हैं ना, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, जीरा हो गया, और बड़ी इलायची होगी, छोटी इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, इन सब चीज़ों को ना कूट पहले भुना मैंने, और फिर उसके बाद इसे ना हल्का हल्का दरदरा पीस लिया. तो उससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है ना अगर आप खड़े मसाले ऐसे डालते हो तो करी वगैरह में. आप ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा. ये गई हल्दी, मसाले अच्छे से भुन गए हैं. तो अब मैं डाल रही हूँ अपना पालक का प्योरी. तो अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसे मैं कर दूंगी पूरा मिक्स. अब मैं ना एग्स को थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल करके ना थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, शैलो फ्राई. थोड़ी सी कोटिंग अच्छी आ जाती ना तो देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है. एग्स हो गए हैं तो अब मैं चेक कर लेती हूँ पालक को. तो यहाँ मैंने लिड खोला और ये वाओ, तेल ऊपर आ गया है तो इसका मतलब ऑलमोस्ट ये पक चुका है. तो बस इसको मैं नीचे से ना चला लूँगी और नमक ऐड कर लेती हूँ थोड़ा ऊपर से. अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कर लेना, और मैं थोड़ा सा ना तेज़ी रखती हूँ इस वाले में. और ये मैंने चलाया, थोड़ा सा ना जलने लग गया है, बट आई होप अच्छा होगा. पालक एक करी मेरी बन के तैयार हो गई है, और मैं साथ में रोटी भी बना रही हूँ. मुझे ना इसका रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, कई लोगों को राइस पसंद है बट मुझे रोटी अच्छी लगती है. तो मैं साइड बाय साइड रोटी भी बना रही हूँ. तो बस यही था दोस्तों आज का मेरा व्लॉग, पूरा खाने से भरपूर था. आई होप आपको पसंद आया होगा. फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एक्साइटिंग व्लॉग के साथ. तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून्ड. ओके, टेक केयर, बाय बाय.